उनको पूछा जाता था कि आपके मंत्रियों को कोई याद नहीं करता, आप ही को क्रेडिट देता है। तो वो हमेशा पूछते थे कि जब पेले ने वर्ल्ड कप जीता था क्या आपको दूसरे प्लेयर का नाम भी याद? सबको सिर्फ पेले याद है बिकॉज वो कैप्टन था। नहीं मुझे याद है, सारे नाम याद है सर। आप जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे आइकॉन पीपल आदमी। जनरल बिपिन रावत ने बोला था एज व्हेन ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, और वो म्यांमार में कुछ ऑपरेशन करने वाले थे। तो ही सेड ही सडनली गेट अ कॉल सेइंग दैट आई एम परिकर बोल रहा हूं, एंड इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल इट विल बी योर विक्ट्री, एंड दो आई एम श्योर कि कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत होता है आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही सेड बिफोर आई कुड रिस्पॉन्ड द कॉल इट ऑलरेडी कट। अरुण जेटली जी वाज होल्डिंग टू चार्जेस, फाइनेंस प्लस डिफेंस, और दोनों नहीं कर पा रहे थे। तो शुरू से कहा जाता हूँ। मेरा और डेविड कैमरन का ट्यूटर एक था ऋषि सुनाक, मेरे से 2 साल सीनियर था, पीपी सब हम लोग किए हुए हैं। तो ये लोग ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है, क्यों? क्योंकि ट्रेजरी में क्या चाहिए, जैसे सारा मंडरो को बिजनेस एक्सपीरियंस है, कंसल्टिंग का है, इकोनॉमिक्स की टॉपर है, नासिर खिलजी यूएस ट्रेजरी में इकोनॉमिक्स के पीएचडी, हमारे यहाँ तो ट्रेजरी मजाक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वही आईएएस, और उनको आता क्या है? अधिकांश को कुछ नहीं आता है, और अब मंत्री को भी अधिकांश समय कुछ नहीं आता है। तो पॉलिसीज बन भी जाती हैं, लेकिन वही बनती हैं आधी अधूरी, टीपू सुल्तान की तरह टीप टाप के। तो सारी चीज मतलब कांग्रेस का जो हम कहते हैं ना कि वो 2004 से 2014 वाज अ डिकेड ऑफ डेके, यू नो डिकेड ऑफ डीके, मेरे ख्याल से वो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। भारतीय मुगलिया सल्तनत थी नहीं, और बट जो आपको करना था ऑगस्टा वेस्टलैंड का तो हुआ, जो बाद में जिसमें परिकर जी का पार्लियामेंट कैंसिल किया, और उनका एक बड़ा अच्छा ये था कि बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोए हैं, वो गंगा कहाँ बह रही है वो हमें देखना। कि मोदी जी रशिया जो गए, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया को कि आप कितना भी हमें अपने साइड में मतलब अपना डिक्टेट करने की कोशिश करें, भारत अपना सोवरेन डिसीजन खुद लेगा। जो कांग्रेस करती थी कि बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, जवान मर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं, ही सेड नहीं, ही सेड मारो। और जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि हम जवाब देंगे बट टाइमिंग वी विल चूज, टाइम एंड प्लेस, और वही किया। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स रेयर। सी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई लीडर वापस नहीं आएगा मतलब गोवा में, बट ऐसे नहीं आते, मतलब यू नो यू कैन नेवर बी, देयर कैन नेवर बी अनदर परिकर, एंड आई से दिस, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि सिंस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, उनके साथ बहुत पास से काम करने का मौका मिला, और अगर मैं कभी बुक लिखूं इस पे तो वो होगा कि परिकर जी को जानने का श्राप, यू नो द कर्स ऑफ नोइंग मिस्टर मनोहर परिकर, क्योंकि एक बार आपने परिकर जी के साथ काम कर लिया तो कोई भी नेता वहां तक नहीं आता। You know, तो जैसे अब अपने आप पोजीशन खतरे में क्यों डाल रहे हैं, है? नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं गिरिराज पाई पेरनेकर, मेरे अभिन्न मित्र हैं, चिंतक हैं और नेता हैं, भाजपा के नेता हैं। काफी इनको कहना पड़ता है गलत सही भाजपा के स्पोक्समैन होने की वजह से, है प्रवर्ता है, लेकिन आज ये सीधी सरल सटीक बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मनोहर परिकर के बारे में, और क्यों आज हम बात कर रहे हैं मनोहर परिकर के बारे में, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला, फौजियों से मिला, कुछ लोगों से मिला आईएएस अफसरों से मिला, कुछ लोगों से मिला नेताओं से मिला जो कि अलग अलग पार्टियों के हैं, और सबने कहा कि मनोहर साहब बड़ी मेहनत करते थे, मनोहर जी एक एक फाइल पढ़ते थे, रात बिरात बैठे रहते थे, लोगों को बुला लेते थे काम करने के लिए आधी रात, और स्वयं निरंतर जो है कोई भी निर्णय सोच विचार के लेते थे।
तो मैंने सोचा उनका देहांत हो गया है और अधिकांश लोगों को भारतवर्ष में उनके बारे में पता नहीं है, तो आज मनोहर पर्रिकर की कुछ बात की जाए और हम कई नेताओं की बात करेंगे, आगे चल के कई पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे, समय काल परिस्थिति जब अनुकूल होगी। स्वागत है गिरिराज। थैंक यू अतुल जी। तो गिरिराज, मनोहर पर्रिकर के जीवन के बारे में बताइए। ये आईआईटी बॉम्बे के थे, तो ये बाकी नेताओं की तरह नहीं थे। ज्यादातर आईआईटी के कम नेता निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल निकले, उनका बड़ा नाम है, वो आईआईटीएन है, और मनोहर पर्रिकर निकले। एक जमाने में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के नेता हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गए और सुभाष बोस कैम्ब्रिज गए, तो वो आजादी के पहले का दौर था और आजादी के ठीक बाद का दौर था। और एलीट परिवारों के लोग जाते रहे हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इत्यादि, लेकिन आईआईटी बनी ही इंजीनियरिंग के लिए और वहां के लोग अमेरिका बहुत गए और इंडस्ट्री में आए और आजकल आईएएस में आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में अभी आईआईटीएंस बहुत ज्यादा नहीं आए और मनोहर पर्रिकर शुरुआत किए आईआईटीएंस की पॉलिटिक्स में, तो उनके जीवन के बारे में कुछ बताइए। गोवन थे आपकी तरह वो। देखिए, जैसा आपने अभी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो मेरे ख्याल से सिर्फ आईआईटीएन होना इज नॉट द रीजन कि आज मनोहर पर्रिकर इतने बड़े नेता माने जाते हैं और विभिन्न पार्टियों में माने जाते हैं, विभिन्न पार्टियों में माने जाते हैं, और बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिनके चले जाने के बाद भी आज हम बैठ के बात कर रहे हैं होती है, और या फिर उनके बारे में बात होती है आज भी, अगर कोई मतलब उनका इंसिडेंट आता है तो मेरे ख्याल से लोग सुनते हैं। तो एक तो वो ही वॉज मतलब बॉर्न टू अ जनरल स्टोर ओनर, मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई एफ्लुएंट बैकग्राउंड था या फिर बहुत सारे पैसे थे, बट एक जनरल स्टोर चलाने वाले आदमी जो मापसा मार्केट में चलाते थे, कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वहां से उनकी आईआईटी तक, मतलब वो भी हम बात कर रहे हैं 70s में, जहां पे आईआईटीज वाज नॉट व्हाट इट इज टुडे। बहुत हद तक ये माना जाता था कि मतलब आईआईटी आईटीआई, लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता होता था। तो उस दौर से उन्होंने आईआईटी में जाके मेटलर्जी इंजीनियरिंग करी, और उनका राजनीति में रुचि बहुत पहले से था। कि जैसे आपने अगर कोई पर्रिकर जी के पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे, तो उन्होंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो इलेक्शन हुआ था जो बॉम्बे से, तो उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करी थी, बिकॉज वो उस टाइम पे आईआईटी बॉम्बे में थे। और आईआईटी बॉम्बे में भी मेस कोऑर्डिनेटर का बड़ा रोल किया था उन्होंने। तो आईआईटी में क्वालिटी ऑफ फूड यूज्ड टू बी अ वेरी बिग इशू, और पर्रिकर जी मेस कोऑर्डिनेटर बनते ही उन्होंने बहुत सारी चीजों को मतलब सुधारना चालू किया, फूड क्वालिटी अच्छा करना चाहा। तो हमेशा से पब्लिक सर्विस का एक जज्बा उनके अंदर था। जब वो आईआईटी से वापस, और लीडरशिप क्वालिटी थी, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि इज आईआईटी द रीजन फॉर हिज सक्सेस, द आंसर इज नो, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनल। वो बहुत बार होता है ना कि हमें पूछा जाता है कि पर्रिकर जी की कमी कौन भरेगा, मैं कहता हूं कि वो कभी भर नहीं सकती। दोज आर शूज विच कैन नेवर बी फिल्ड, फॉरगेट अबाउट यू नो द शूज बीइंग टू बिग टू फिल द वर्ल्ड। तो एक तो वो चीज है, ये दुखद बात है भारतवर्ष के लिए, बहुत दुखद बात, क्योंकि देखिए छोटी सी चीज है कि यूके में और फ्रांस में अच्छे, और खैर अब इनका पतन हुआ है, लेकिन अच्छे नेता आते रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, विंस्टन चर्चिल बहुत बड़े आदमी थे, वर्ल्ड वॉर टू में बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और भाषण तो गजब दिए, मतलब बिल्कुल राष्ट्र को झकझोर दिया उन्होंने और जुनून पैदा कर दिया। और उनके बाद जो आए क्लेमेंट एटली, वो क्लेमेंट एटली उतने कैरिस्मेटिक नहीं थे, करिश्मा नहीं था वो, लेकिन एनएचएस बना के गए, नेशनल हेल्थ सर्विस बना के गए, बड़े एफिशिएंट आदमी थे, कोई फाइल आती थी क्लियर करते थे, वो भी बड़े दिग्गज थे। तो दो बहुत बड़े बरगदों की वजह से आधुनिक बिरतानिया पैदा हुई। तो ये कहना कि उनके कोई फील ही नहीं कर पाएगा, दुखद बात है, क्योंकि राष्ट्र के लिए
एक के बाद एक अच्छे लीडर, एक पाइप असेंबली लाइन होनी चाहिए कि भाई मनोहर गया तो कोई और आ गया, तभी राष्ट्र चलता है। बट आज देखिए आप बहुत बार क्वालिटीज देखते हो कि एक कोई नॉन करप्ट है, एक कोई विजनरी है, एक पॉपुलर है, या फिर आज बहुत बार होता है कि कोई जो पॉपुलर है वो एफिशिएंट नहीं होता, जो एफिशिएंट है वो नॉन करप्ट नहीं होता। पर परिकर जी में, मतलब आज भी मैं यहाँ पे बैठ के आपको इतना वचन दे सकता हूँ कि परिकर जी ने अगर खुद के लिए एक रुपया बनाया हो करप्शन से, तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स। ये कितना लोगों के बारे में हम बता सकते हैं? बहुत कम। और उनमें एक जज्बा था, उनमें एक यू नो कन्विक्शन, एक बार वो कन्विंस हो गए, जैसे मुझे अभी भी याद है, यू नो आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम उनका कैसे जर्नी रहा, बट मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि देश को दिशा देने वाला, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे हैं, भारत का बहुत विकास हुआ है, बट वो कौन से बड़े नेता थे भाजपा के जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट देते हुए कहा था कि मोदी जी को पार्टी का पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए? 2013 में अगर आपको याद हो, जहां पे ये सब न्यूज चल रही थी क्या मोदी जी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और गोवा में नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, परिकर जी ने सबको कहा, और हिज वर्ड्स मे नॉट हैव बीन दिस बट ही सेड कि जनता की जो पसंद है उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा उन्होंने कहा कि नंबर वन पार्टी का क्लियर है, नंबर टू कौन है, नंबर थ्री कौन है, इररिलेवेंट है। तो ये जो चीज है, और जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट दिया, मेरे ख्याल से उससे बाकी सारे जो पार्टी के नेता भी थे वो निडरता से पीछे आ गए कि नरेंद्र मोदी जी को, और वहां पे उनको कैंपेन चीफ बनाया गया था गोवा में। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनका रोल रहा है और जो हमेशा याद रहेगा। तो शुरुआत करते हैं कि उनका पार्टी में क्या रोल था, बाद में हम बात करेंगे गोवा की और डिफेंस, जैसे रक्षा मंत्री थे वो बाद में करते हैं। आप ये बताइए कि पार्टी में कब से वो सम्मिलित हुए, पार्टी में उनका उत्थान कैसे हुआ, और आधुनिक भाजपा की सफलता के पीछे उनका क्या हाथ था? तो आधुनिक भाजपा और आधुनिक गोवा, जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा उनको कहा था, और उनका अगर जर्नी ट्रेस करें तो आईआईटी के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ बहुत कम समय के लिए जॉब किया, और उनको रियलाइज हो गया था कि वो जॉब के लिए बने नहीं है। एक तो मतलब ही वाज नॉट, आई डोंट थिंक ही वाज, मतलब कोई उनको कमांड कर सकता था, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस बहुत था, अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देते थे, और फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया विच वॉज इन टू मेटलर्जिकल, ये हाइड्रोलिक्स वगैरह का, और वो वापस आ गए गोवा। और गोवा में कहाँ रहते थे वो? गोवा में म्हापसा में रहते थे, म्हापसा में, जैसे मैंने कहा उनके पापा का जनरल स्टोर था, और बहुत छोटा जनरल स्टोर था, मतलब यू नो जो म्हापसा मार्केट है बहुत ही क्राउडेड मार्केट है, तो वहां पे उनका एक दुकान था। बट उनके पापा भी एकदम, मतलब यू नो वो बिजनेस माइंडेड आइडियाज वगैरह थे, जैसे यू नो दे वर वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन भारत फोर्ज जैसी कंपनी। अच्छा, यू नो तो, और उसके कई साल, मतलब बाबा कल्याण की बात, बाबा फोर्ज के पापा वगैरह उस टाइम पे होंगे, तो यू नो तो उन्होंने उस टाइम से, तो उनके पापा भी इन्वेस्ट करे थे, बट स्टिल कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। फिर उन्होंने संघ का काम शुरू किया। अच्छा, जैसे 26 साल की उम्र में वो म्हापसा तालुका के संघ चालक बन गए, जो बहुत रेयर बात है, और उनके आज भी बहुत सारे, देखिए क्या है कि उनकी स्टोरीज भी बहुत आती हैं, जैसे वो एक कैंप में व्यवस्था प्रमुख थे और अचानक पानी चला गया, तो एवरीबॉडी थॉट कि कल तो पानी के बिना यू नो चलाना पड़ेगा, बट उन्होंने सारे लोगों को लेके जो उनकी व्यवस्था में थे वेल से पानी निकाल के अगले दिन अरेंजमेंट कर दिया। तो ही ऑलवेज हैड समथिंग कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, उनमें वो जज्बा था, उनमें वो एक, तो मैं वही कहता हूँ, वो हमेशा कुछ डिफरेंट करते थे। फिर जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई, देन ही वाज सेंट इनटू द पार्टी, आरएसएस ने उनको भेजा, संघ ने उनको पार्टी में भेजा, और उसके बाद मतलब गोवा की राजनीति बदल दी उन्होंने।
1994 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 4 MLA आए, उनमें से एक परिकर जी थे, और उसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। तो और 1961 17 दिसंबर गोवा का लिबरेशन ऑपरेशन हुआ जी। और इंडियन आर्मी पहुंची, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी थी, और उसके बाद गोवा इंडिपेंडेंट इंडिया का भाग बन गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी क्या निरंतर? बहुत टाइम तक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी भी थी। अच्छा, पहले तो हम यूनियन टेरिटरी थे बहुत टाइम तक, देन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी थी जो हमारे मतलब नो भाऊ साहेब बांदोड़कर जो गोवा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वगैरह बने, और फिर उसी पार्टी को तोड़ के कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, गोवा में इतना फैक्शन रिडन पॉलिटिक्स रहा है कि ऐसे 10 साल भी हुए हैं जहां पे गोवा ने 13 मुख्यमंत्री देखे, विद वन बीइंग फॉर सम 11 या 13 डेज, मेरे ख्याल से चर्चिल आलिमा। कारण क्या है साहब? एक तो बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 40 MLA हैं सिर्फ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, तो कोई भी किसी भी साइड में चला जा सकता था। तो अगर 10 लोग मूव हो गए तो आपकी सरकार बन सकती थी। तो लेकिन इतना फैक्शनलिज्म क्यों है? क्या वहां पे कैथोलिक और हिंदू और अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब क्या विभाजित बड़ा है राज्य? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो गोवा में वी हैव मोर देन 60% हिंदूज, और जो एक परसेप्शन रहता है अदरवाइज, बट गोवा परसेप्शन तो यही है कि कैथोलिक स्टेट है। बट गोवा में गोवा इज अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी। क्या होता है कि बहुत बार टूरिज्म के वजह से एक गोवा की छवि अलग बनी है कि यू नो वी आर ऑल डांस फ्रॉलिक, जैसे मैं अभी गोवा जाके शाम को गिटार लेके बैठ जाऊंगा। तो गोवा में अगर आप मुझे पूछे तो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है, कंजर्वेटिव भी नहीं कहूंगा मैं, बट वेरी मतलब ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल यू नो ऐसी कम्युनिटी, और कम्युनल हार्मनी बहुत है। अच्छा, अभी ऑफ लेट बिकॉज ऑफ पोलिटिकल इंटरेस्ट और सम रिलीजियस इंटरेस्ट, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है स्पेशली जो अपना कंट्रोल रखना चाहती है, वो बहुत तरह से सामाजिक समरसता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गोवा में सोशल हार्मनी बहुत है, कम्युनल हार्मनी बहुत है। तो ऐसे राज्य में जब ये बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल, जैसे पहली बार जो हमारी सरकार बनी गोवा में 2000 में, उसमें भी हमारे सिर्फ 10 लोग थे, 11 लोग कांग्रेस से आए हुए थे, तो उनकी सरकार गिरा के हमने सरकार, तो जोड़ तोड़ की राजनीति से आप आए सत्ता में। बट उसमें भी क्या होता है कि अगर वो उस टाइम पे शायद नहीं होता तो गोवा मतलब वो होता है ना, वो शेर को खून लगता है, सो गोवा के लोगों को परिकर जी के गवर्नेंस की टेस्ट नहीं मिलती। सो 94 में पहली बार एमएलए बने, 2000 में मुख्यमंत्री, तो एक तो भाजपा के गोवा में सबसे पहले मुख्यमंत्री वो बने, फिर जब डिफेंस मिनिस्टर बने, ऑफ कोर्स ही बिकेम द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम गोवा एवर इन द यूनियन कैबिनेट। पहले आप बताइए कि गोवा में उन्होंने क्या किया, नहीं तो पार्टी की बात करते हैं फिर आएंगे बाद में उनके। तो जब 94 में जैसे मैंने कहा वो एमएलए बने, तो एमएलए बनने के बाद उनको वो हमेशा कहते थे, जैसे पहले पहले बहुत सारे इंडस्ट्री वाले आते थे कि सर ये असेंबली में सवाल उठना चाहिए, ये गोवा के इंटरेस्ट में है, फिर उन्हें पता चलने लगा कि दिस हैज पावर, वो अपना काम आपके थ्रू निकलवा रहे, उनको डेटा चाहिए वो आपसे निकलवा रहे, तो उन्होंने फिर यू नो ही स्टार्टेड गेटिंग मोर डीपर इनटू इश्यूज, ही स्टार्टेड यूजिंग द प्लेटफॉर्म कि कैसे लोगों के सवाल उठाए जाए, and he just transformed how assembly functions. Itne incisive questions puchna, you know, taking on the mapping, jo leader of opposition ka ek role rehta hai, us hisab se unhone kaam karna shuru, jaise Britain mein log karte hain, and all, your assembly is the best forum. Ek baar kya hota hai ki, you know, main hamesha kehta hu ki Parikar ji never allowed boycott of assembly, walkout wagera, wo kya karte the, agar 1 baje recess hai तो 12:30 बजे वॉकआउट कर देंगे,
एंड टू दैट ही विल बी बैक, बिकॉज वो कहते थे कि ये लोगों के इश्यूज उठाने का वक्त है. तो हिज पॉलिटिक्स वाज वेरी डिफरेंट कि मुझे यहाँ पे नारेबाजी नहीं करनी है, मुझे काम करना है, मुझे लोगों का काम करना है. तो इंस्टीट्यूशंस का पावर समझते थे, एब्सोल्युटली. तो पढ़े लिखे थे बहुत, ये था. और दूसरा, फिर 2000 में वो चीफ मिनिस्टर बने. और उसके बाद मतलब तब तक क्या होता था कि गोवा में एक था कि मतलब पायलट, एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल, सीएम कभी कहीं नहीं निकलेंगे. और गोवा में 2000-2002 के अराउंड हमने देखने लगे कि रात के 2 बजे एक सीएम अपनी मारुति 800 लेके ब्रिज पे खड़ा और काम देख रहा है, या फिर सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कौन कौन आया है, अगर कोई नहीं आया तो किसने लीव अप्लाई करी है. तो एक फियर बन गया कि दिस मैन बिन्स बिजनेस. एफिशिएंट बहुत थे, बहुत एफिशिएंट, मेहनती बहुत थे. इसीलिए मैंने ना स्टार्टिंग में जो कहा था कि एफिशिएंट, नॉन करप्ट, हार्ड वर्किंग, विजनरी, ये सारी समन्वय एक आदमी में आना. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स रेयर. सी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई लीडर वापस नहीं आएगा मतलब गोवा में, बट ऐसे नहीं आते. मतलब यू नो, यू कैन नेवर बी, देयर कैन नेवर बी अनदर परिकर. एंड आई सी दिस, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि सिंस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, उनके साथ बहुत पास से काम करने का मौका मिला. और अगर मैं कभी बुक लिखूं इस पे तो वो होगा कि परिकर जी को जानने का श्राप. You know the curse of knowing Mr. Manohar Parrikar, क्योंकि एक बार आपने परिकर जी के साथ काम कर लिया तो कोई भी नेता वहां तक नहीं आता. You know, तो जैसे अब अपने आप पोजीशन खतरे में क्यों डाल रहे हैं, है? नहीं, see, so अभी since we are only talking about Goa, और मैं आपको वही बताता हूँ. अभी आप पूछेंगे कि जैसे मोदी जी हैं, I don't see anybody replacing him, his popularity, his governance, his vision. और ये हमेशा से, मतलब I mean परिकर जी हमेशा से he backed PM Modi. But आप अगर पूछोगे can there be another PM Modi, the answer is no. See, there will be people who will come, मतलब somebody will take over at some point. But whether there can be another Modi, the answer is no. तो गोवा में भी आई से द सेम थिंग, एंड नेशनली ऑल्सो इट वॉज अज लॉस कि परिकर जी का अकाली निधन होना. बट मैं आई स्टैंड बाई इट, बट यू नो नोइंग मनोहर परिकर जितना इज अ प्रिविलेज, प्राइड और यू नो फॉर्चून, आई थिंक इतना ही श्राप है, इतना ही कर्स है. कि मतलब मैं आपको मतलब बहुत सिंपल चीज बताता हूँ. जैसे एक दिन मैं उनके ऑफिस में गया था जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो वो कुछ बिल लेके कुछ तो लिख रहे थे उसपे. तो मैंने कहा सर ये कौन सा बिल है, तो आइडिया का वो डिटेल्ड बिल था, फोन कॉल का बिल. तो जो 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 उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता था, तो जो जो कॉल्स उन्होंने पर्सनल कॉल के लिए किए अमेरिका में वो हटा रहे थे ताकि ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द असेंबली को जो बिल जाए. कौन करता है सर? नहीं, ये तो मतलब पहले ही लोग हैं जो करते हैं. That level of sincerity, that level, जैसे you know, उनका जो official residence था, वो कभी नहीं रहे वहाँ पे. That was a office, कि वो वहाँ से बैठ के operate करते थे. तो integrity अलग level का था. गोवा में जो infrastructure development हुआ, 13 bridges हुए within a span of 2 years. 13. और people suddenly realized कि अरे गोवा तो छोटा स्टेट है, गोवा के पास रेवेन्यू नहीं है, इतना सब बोलने वाले एक आदमी आके. एंड वाज ऑल, कैसे हुए 13 ब्रिजेस, कहां से पैसा आया? नहीं, सो बेसिकली ही सेड, जैसे उनका ना एक फिस्कल मैनेजमेंट का अलग ही फंडा था. जैसे गोवा में 2012 में उन्होंने एक चीज करी थी, ही गॉट क्रिटिसाइज, ही गॉट हैमर्ड फॉर इट. एंट्री फी जो कैसीनो में जाते थे उसका एंट्री टैक्स ही 500 रुपए कर दिया था, सॉरी 2000 रुपए कर दिया था. अब 2000 की एंट्री फी भर के कोई जा ही नहीं रहा था. तो बेसिकली क्या करते थे, कूपन देते थे, वापस ले लेते थे, रिसाइकल करते थे कूपन को. तो दिन में कोई 10 कूपन खरीदेगा, गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं आता था, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू पे दैट. व्हाट ही डिड वाज उन्होंने सीधा टैक्स हटा के 500 रुपए कर दिया. अब 500 में चोरी का भी कोई मतलब सोचेगा नहीं कि अगर आपकी एंट्री फी 2000 है, उस पर 500 का टैक्स लगा दिया, कर दिया, अवर रेवेन्यू 10-12 गुना बढ़ गया.
कमिंग फ्रॉम द कैसीनो टैक्स, ही गॉट हैमर्ड सेइंग आर यू प्रमोटिंग कैसीनो, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था. पर ये कई देशों में यही पॉलिसी आई है. Correct. ऐसा नहीं है कि ये पहली दफे आई हो. Correct. और कई दफे होता है कि जब आप टैक्स रैशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और लोअर करते हैं. Correct. तो कलेक्शन अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि इवेजन कम हो जाता है. एग्जैक्टली. तो उन्होंने ये करने की, बहुत बार क्या होता है ना, आपको पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता है आपके पास. ना ही पॉलिटिकल विल होता है, ना ही कैपिटल होता है कि आप ऐसे डिसीजंस ले सको. बट पर्रिकर जी जब डिसीजन लेते थे, सीधे से आज भी होता है, आज भी गोवा में अगर कोई सड़क भर जाती है तो लोग सोचते हैं कि अगर पर्रिकर जी होते तो क्या करते. इसीलिए मैंने बोला ना, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 13 ब्रिजेस, रोड बनाई होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और क्या किया. फिर जैसे एक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करी, जिसमें उन्होंने विडोज हो या फिर मतलब सीनियर सिटीजन हो, उनको मंथली पेंशन स्कीम शुरू करी. ठीक. नाउ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक दिस वाज अनहर्ड ऑफ इन गोवा. आज उनके उसके बाद उन्होंने लाडली लक्ष्मी शुरू करी, जो हमारी बहनों को मिलती है शादी के लिए, या फिर गृह आधार शुरू करी कि इन्फ्लेशन के चक्कर में जो हाउसवाइफ्स के हाथ में पैसा है वो कहीं जा रहा है तो उनके सीधा अकाउंट में. इनफैक्ट एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर्स उन्होंने एज अर्ली एज 2002, तो सीधा चेक आपके बैंक अकाउंट में जाएगा. तो ये क्या पहले थे देश में जो कि शुरू किए थे डायरेक्ट ट्रांसफर? आई मे नॉट हैव डेटा टू बैक इट अप, बट अगर मुझे पूछा जाए, जितना ड्यूरिंग आवर इंटरेक्शन, ही मस्ट हैव बीन द फर्स्ट वन. आई सी. आई थिंक अराउंड 2001 ही सेड कि आपको जो चेक आके कलेक्ट करना पड़ता है वो नहीं होगा, सीधा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा. तो आज हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, बट ही वॉज 20 ईयर्स अहेड. तो बहुत बार ये हुआ है कि यू नो मे बी ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स इन मेनी वेज. और इन अ इन अ इन अ एरिया जैसे स्मॉल स्टेट में बहुत बार होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. बट ही बिग में भी करने पड़ते हैं भाई, हर जगह करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं. बट क्या होता है ना सर, कि बिग में इफ यू जैसे आप सड़क बना ली तो लैंड लूजर्स विल बी अ फैक्शन ऑफ देम, बट बेनिफिशियरीज आर मोर. यहाँ पे आपके इंपैक्टेड पार्टीज आल्सो आर इक्वली बिग बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है. तो सी एडमिनिस्ट्रिंग अ स्मॉल स्टेट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज एक तो हर कोई हर एक को जानता है. जैसे आज आप देखो कि अगर मैं हमेशा कहता हूँ, मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी को देवेंद्र फडणवीस जी दिख गए तो फॉर हिम इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि नेता आपको रोज दिखते नहीं है. गोवा में वो चीज नहीं है. ये आपने वही बात कर दी कि स्कैंडिनेविया में आप जो है डेनमार्क के अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप दिख जाएंगी सुपरमार्केट में, हैं? करेक्ट. आप दिख जाएंगी अपने बच्चे को स्कूल से उठाते हुए, साइकिल चलाते हुए. अब हमारे मित्र हैं इतने पार्लियामेंट में, कई देशों में साइकिल पे चलते हैं, कोई भी मिल जाता है. अच्छा, मेरी माँ उनके उनके भाई थे सांसद, 30 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर तो थे ही. तो मेरी माँ जब पहुंची जर्मनी बर्लिन और मेरी मित्र आई साइकिल चलाते हुए, वो काफी बड़ी एमपी थी, मेरे मित्र की मित्र, मेरी नहीं, वो आई तो मेरी माँ अचंभित की, अरे ये साइकिल से आ रही है, ये इतनी बड़ी एमपी है. मैंने बोला हाँ, क्योंकि उन्होंने तो अपने भाई को ब्लैक कैट कमांडो के साथ देखा था. तो ये छोटे देशों में और बड़े देशों में अंतर तो होता ही है कि आप शासक को जान ही नहीं पाते. मैं नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन डीसी में काम करता हूँ बहुत दिन, बढ़िया माहौल है, कभी आप आइए तो मेरे मेहमान बन के आइएगा. और पैदल वहां से मैं चलता हूँ जॉर्ज टाउन जहां रहता हूँ, तो मैं व्हाइट हाउस के आगे से जाता हूँ. तो मुझे भले ही इंग्लैंड में जहां मेरी मैं एडिटोरियल टीम के काफी लोग हैं, भले ही एमपी मिल जाए लंदन में, यूएस में कोई नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ा देश है. तो वो तो बड़े और छोटे की दिक्कत तो पूरे विश्व भर है प्रजातंत्र में, पर अंतर दिक्कत नहीं कहना चाहिए, अंतर. और गोवा में जैसे आपने कहा कि मतलब ब्लैक कैट कमांडोज की बात कही, तो यहाँ पे बच्चों को भी सिक्योरिटी हुआ करती थी. एंड हियर वाज अ चीफ मिनिस्टर जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, जो सुबह मार्केट में जाके फिश खरीद रहे हैं. और उनका देखिए पर्सनल लाइफ में मतलब उनके मतलब आप अगर आज इन हाइंडसाइट देखें, he lost his wife to cancer somewhere in 2000 and then barely within some months he became the chief minister. आप उनके फैमिली पे क्या गुजरी होगी वो भी आप सोच सकते हैं.
मेरे ख्याल से उनका छोटा बेटा कुछ 13 साल का था. हम्म. सो यू नो सो ही हैड टू डेवलप एज अ पेरेंट, मतलब एज बोथ फादर एंड सन, मतलब फादर एंड मदर. एंड तो और उस ट्रॉमा से निकलते हुए यू नो ही गेव गोवा व्हाट इट इज टुडे. और मतलब गवर्नेंस तो दैट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सोशल सिक्योरिटी दी, एफिशिएंसी दी और एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और पुलिस में जैसे यू नो द लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर, जैसे 94 में जब वो पहले एमएलए बने गोवा में, मतलब पणजी में भी गैंग वॉर्स का आपको बहुत सुनाई देता था. और गैंग वॉर्स मतलब ऑफ कोर्स नॉट एट द स्केल ऑफ दैट मुंबई. हैपेंस इन मे बी से इन मुंबई और यू नो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, बट अपने लेवल पे होता था कि चाकू छुरा लेके कर दिया उन्होंने, वो तोड़ दिया. अच्छा. या फिर जैसे ना उनको हाउ ही स्टार्टेड बिकमिंग डिफरेंट, वो जैसे मेरे ख्याल से पणजी म्युनिसिपैलिटी ने कुछ ट्रक्स लाए थे और वो चलना बंद हो गया क्योंकि उन्होंने कचरे का जो वो ऑटो हाइड्रोलिक पे चलने वाले ट्रक्स थे, तो जब पता चला कि नहीं चल रहे हैं ही वेंट डाउन हिमसेल्फ एंड रिपेयर्ड इट पूरा ऑयल में भर के. हियर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव फिर असेंबली उनका बिजनेस ही था वो. और बिजनेस था, बट क्या था ना कि उनका जैसे भी जनरल रावत ने एक बार कहा था कि वो कुछ इंडियन डेवलप्ड एक सिस्टम थी और प्रॉब्लम्स आने लगी तो परिकर जी सर आई कम माई सेल्फ, और कहता है योर प्रॉब्लम इज नॉट विद द इक्विपमेंट, प्रॉब्लम इज विद द मेटलर्जी ऑफ द इक्विपमेंट. और कहते हैं जब उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हुई. तो ही हैड कि कोई उनको प्रॉब्लम दो तो एक सोल्यूशन ढूंढ लेंगे. तो उनका नेवर से डाई एटीट्यूड कि मैं उस प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्व करूंगा. कुछ सॉल्व करूंगा, तो मेरे ख्याल से दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीए. तो पुलिस आपकी अच्छी बन गई, यू नो योर लॉ एंड ऑर्डर बिकेम गुड. और दूसरा उनका ना एक चीज था जो अभी मुझे किसी ने बताया था कि एक मेरे ख्याल से कोई कंस्ट्रक्शन करना था ब्रिज का या किसी का, और वो दे वांटेड टू द डिपार्टमेंट वांटेड टू गिव इट टू समबडी ऑन नॉमिनेशन बेसिस. तो परिकर जी सेड इतना तो अर्जेंट नहीं है, आप नॉर्मल टेंडर से चले जाइए. तो दे डिलेड इट डिलेड इट डिलेड इट और 3 महीने बाद फाइल गायब कर दी एंड दे री इनिशिएटेड द प्रोसेस. पुराना खेल है. परिकर जी कॉल्ड अप द डिपार्टमेंटल हेड एंड सेड कि ये फाइल जो थी उस पे मेरा ये कमेंट था, वो फाइल लेके आओ एंड देन विल टेक अ डिसीजन ऑन दिस. एंड दे वर शॉक्ड. नेवर हैज देयर बीन अ चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा जो अपने 6 महीने पहले या 3 महीने पहले की फाइल पे फॉरगेट क्या लिखा था, मेरा नोटिंग क्या था ये बोल रहे. तो यू कुड नेवर गेट अवे फ्रॉम दैट. जैसे एक यू नो जब वो डिफेंस में भी थे देयर वाज सम रिक्वायरमेंट व्हिच केम फॉर एक्स गुड्स एंड वो सारे प्रिपेयर करके चले गए कि जस्टिफाई करके कि व्हाई वी नीड दिस. एंड परिकर जी फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर आर यू गोइंग टू स्टोर इट एंड देन दे रियलाइज कि दे डिड नॉट हैव इनफ स्टोरेज फॉर इट. तो उनका जो अबिलिटी टू थिंक था वाज वेरी डिफरेंट. और दूसरा ही वाज ऑलवेज अ पर्सन यू कुड हु वाज अ कॉल अवे. रिस्पॉन्सिव. उनके कट फोन कॉल्स तो मतलब यू नो एक बड़ी ये है, मतलब यू नो यू कैन स्टिल रिमेम्बर. जैसे वो आपको फोन करेंगे, हाँ अतुल हैप्पी बर्थडे, बिफोर यू से थैंक यू द कॉल इज कट. फोन किया. सो यू नो वो ये मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर माई वन ऑफ माई लास्ट कन्वर्सेशन. आई थिंक वो 18 में था शायद, जुलाई में 17 या 18. सो ही कॉल्ड अप एंड ही सेड गिरी हैप्पी बर्थडे. I didn't say thank you because I knew the call would cut. And he said, "Why are you not responding?" मैंने कहा सर ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि आपने हैप्पी बर्थडे के बाद आपने पॉज लिया है. मैंने कहा हमेशा कटता था कॉल. यू नो सो ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट. सो जैसे एक बार जनरल बिपिन रावत ने बोला था एज व्हेन ही वाज डिफेंस मिनिस्टर और वो म्यांमार में कुछ ऑपरेशन करने वाले थे, तो ही सेड ही सडनली गेट अ कॉल सेइंग दैट मैं परिकर बोल रहा हूँ एंड इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल इट विल बी योर विक्ट्री. एंड दो आई एम श्योर कि कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत होता है तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ही सेड बिफोर आई कुड रिस्पॉन्ड द कॉल इट ऑलरेडी कट. यू नो तो वो उनका एक वो ये था कि यू नो ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, समटाइम्स वेरी पॉइंटेड ऑल्सो. सो लेट्स मैं वॉट आई एम ट्राइंग टू जस्ट ब्रिंग आउट हियर इज दिस ह्यूमन एलिमेंट. गॉट इट. तो लेट्स मतलब टॉक अबाउट
पार्टी की बात करने वाले थे कि पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय स्तर पे। तो गोवा में एक तो मतलब यू नो जब जो उनका राइज हुआ है या फिर सी पॉलिटिकली अगर आप वैसे देखा जाए तो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स गोवा इज नॉट एज रिलेवेंट एज एनी अदर स्टेट यू नो एंड इट विल नेवर। दो एमपी है ना आपके, दो एमपी सीट्स है, एक राज्यसभा। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे कितने तो इन कंपैरिजन टू यूर 80 हमारे दो तो कहीं नहीं फ्यूचर होते, बट उसके बावजूद ही बिकेम व्हाट ही इज यू नो, छोटा बेस होने के बावजूद, छोटा बेस होने के बावजूद। और 94 में कैसे कैसे नहीं, एक कैसे तो इतना उनका उनको ना एक बार सवाल पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि केजरीवाल आपकी तरह है। ही सेड कि आई केम टू बी नोन एज चीफ मिनिस्टर विद सिंपल ड्रेसिंग एंड आई वाज नॉट फेमस बिकॉज आई वाज वेयरिंग सिंपल ड्रेसेस। तो उनका उनका जो प्रभाव था, जैसे 94 में वो पहले बार मैंने जैसे कहा चार एमएलए थे उनमें से वो एक थे, तो भारतीय जनता पार्टी को एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाने वाले भी वो थे एज वन ऑफ द एमएलए। पहली बार सरकार बनी, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने उसमें वो थे एंड एवर सिंस ही हैज एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। 2012 में जो मतलब गोवा वॉज अ फिक्शन रिडन ही है, गोवा में मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती थी इसीलिए और स्ट्रीडिंग होती थी, 21 सीट लेके 2012 में सरकार फॉर्म हुई थी। तो पार्टी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने गुड गवर्नेंस सेल का अध्यक्ष बनाया था प्रीकर जी को, उन्होंने कहा कि यू शुड बी हियर बिकॉज यू नो यू शुड बी गाइडिंग पीपल। और सो उस हिसाब से सी हिज गवर्नेंस वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ दैट। आप हर चीज का उन्होंने विचार करा था और ही ऑलवेज केम अप विद आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन। तो सीधी बात वो आपने कह दिया है, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं आपको कहूंगा कि पार्टी में उनका जो उत्थान होता है इसलिए क्योंकि जो गवर्नेंस गोवा में किया वो फिर बाकी जगह पार्टी लागू करना चाहती थी। करेक्ट। और राष्ट्रीय स्तर पर वो इस कारणवश आए क्योंकि उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया था कि इनको नेता बनाया जाए और फिर बाद में वो रक्षा मंत्री बने। ये बात सत्य है मोटा मोटी? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बिकॉज ही बैक पीएम मोदी वो रक्षा मंत्री बने। मेरे ख्याल से जब रक्षा मंत्री की जरूरत थी, आपको पता होगा कि अरुण जेटली जी वाज होल्डिंग टू चार्जेस फाइनेंस प्लस डिफेंस और दोनों नहीं कर पा रहे थे। शुरू से कहा जाता हूँ मेरा तो ये मानना है, कल ही रात हम बात कर रहे थे कि यूएस में फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी कहते हैं, यूके में फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रेजरी कहते हैं, और अगर ट्रेजरी खाली है आपकी तिजोरी खाली है तो आपका राष्ट्र ही नहीं रहेगा। ठीक। तो वहां आप देखिए ट्रेजरी का रिक्रूटमेंट गजब है। मेरे अभिन्न मित्र नासिर खिलजी सीनियर इकोनॉमिस्ट थे यूएस ट्रेजरी में, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, एक समय सीनियर मोस्ट भी रहे होंगे, रिटायर हो गए अब तो वो कैसे आए भाई? वो उनको इकोनॉमिक शॉक्स, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, वो कई जगह काम किए थे, पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में, काफी उनका गहन चिंतन है, मंथन है, तो इसलिए वो आए। अगर आप देखिए यूके ट्रेजरी में तो मेरी जो है एक क्लासमेट है सारा मॉनरो जो कि परमानेंट सेक्रेटरी है, तो पहले यूके ट्रेजरी गई, फिर वो मैकिंजी में पार्टनर बनी, फिर उसको लगा वापस देश सेवा करते हैं, आ गई यूके ट्रेजरी और टॉपर थी पीपीई की, फिलॉसफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में दुनिया भर के लोग जाते हैं। उसका टॉपर दिग्गज होता है क्योंकि पीपीई को मजाक में कहते ही है प्राइम मिनिस्टर्स डिग्री। मेरा और डेविड कैमरन का ट्यूटर एक था ऋषि सुनाक, मेरे से 2 साल सीनियर था, पीपी सब हम लोग किए हुए हैं। तो ये लोग ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है, क्यों? क्योंकि ट्रेजरी में क्या चाहिए, जैसे सारा मुनरो को बिजनेस एक्सपीरियंस है, कंसल्टिंग का है, इकोनॉमिक्स की टॉपर है, नासिर खिलजी यूएस ट्रेजरी में इकोनॉमिक्स के पीएचडी, हमारे यहाँ तो ट्रेजरी मजाक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वही आईएएस, और उनको आता क्या है, अधिकांश को कुछ नहीं आता है, और अब मंत्री को भी अधिकांश समय कुछ नहीं आता है, तो पॉलिसीज बन भी जाती हैं लेकिन वही बनती हैं आधी अधूरी, टीपू सुल्तान की तरह टीप टाप के। तो मेरा मानना यह है कि स्पेशलिज्म हर मंत्रालय में चाहिए,
ये मजाक नहीं हो सकता कि एक दिन डिफेंस, दूसरे दिन फाइनेंस, तीसरे दिन कल्चर और वाइस वर्सा। मेरा एक मानना है कि यू नो आई मीन सी ब्यूरोक्रेसी पे आई विल नॉट बी एबल टू यू नो कमेंट वेदर यू नीड स्पेशलाइजेशन, बिकॉज़ बहुत बार ये भी होता है कि अगर कोई ज्यादातर स्पेशलाइज हो जाता है तो देन देयर इज नो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। बट हां, लेकिन वो देखिए 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 मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया स्टाइल स्पेशलाइजेशन करिए, लेकिन देखिए स्पेशलाइजेशन, अब देखिए नासिर साहब का उदाहरण मैंने दिया, वो सऊदी अरेबिया भी रहे थे, वो एनर्जी में भी रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनकी इतनी थी कि वो पेरिस से चले गए लाहौर गाड़ी चला के 1976-77। अब आप बता दीजिए कौन आईएएस की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी इस तरह की, ठीक। और दूसरी बात जो मैंने सारा मम्बी हो गई है विवाह के बाद का उदाहरण दिया, उसका भी बहुत जो है आउट ऑफ द बॉक्स, वो साहित्य भी पढ़ती है, बाकी चीज भी पढ़ती है, मतलब वो, तो ये कहना चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकते, या ये कहना चूंकि आप बिजनेस में हैं, नहीं, ये तर्क मैं बड़ा सुनता हूं भारत में। और ये आईएएस जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है वो हर लायक आदमी को काटने के लिए करता है, ठीक। मेरा मानना ये है कि भैया आप क्यों नहीं हो सकते फाइनेंस मिनिस्ट्री में की पोजिशन में, आपको तो बिजनेस आता है, आपने काम भी किया है। खैर, लेट्स गो टू रक्षा मंत्री। तो मेरा ये मानना है Sometimes your political leadership or your political will matters more than what your education is. और इसीलिए मैं कहता हूँ, I mean, I have no doubt in my mind that Prime Minister Narendra Modi has been the best Prime Minister India has ever had. और I mean, we can debate it. राहुल गांधी आपसे सहमत नहीं होंगे, ना महुआ मैत्रा होने वाली है। हर चीज से मैं भी, सहमत नहीं होता, बट मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल विल इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे गुजरात में आपने देखा है, यू नो व्हाट हैज हैपेंड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड आई एम नॉट गिविंग यू माय ओपिनियन। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करोगे तो वो कहते, हमेशा कहते थे कि मोदी जी का एक ही ये था, आप सब्सिडी मत पूछिए, आप क्या करना चाहते हो बताइए। सो आज भी आप अगर देखें तो यू नो द वे द द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हैज बीन बिल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर नो फ्लॉज, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि एजुकेशन का महत्व है। मैं एजुकेशन के नीड से ज्यादा मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ। और कॉम्पिटेंस देखिए हमारे सिस्टम में, आई विल बी वेरी ब्लंट, कंप्लायंट और कंपैटिबल ये देखते हैं, कॉम्पिटेंस तो ही नहीं। देखिए आप ये बताइए मुझे, आप एग्जाम पार करते हैं, फौज में लाख खराबियां हैं, लेकिन और फौज की बात कभी और करेंगे, अभी करेंगे इन मुद्दे उठेंगे फौज में, लेकिन कम से कम ये तो है कि आपको पढ़ना पड़ता है स्टाफ कॉलेज के लिए, आप ऊपर आते हैं। हमारे साथ के लोग जो आईपीएस हैं वो आईजी बनी गए, एडीजी बन गए, पैरामिलिट्री में भले ही उनकी तोंद इतनी बड़ी हो और जो है कभी भागे ना हो, वो आईटीबीपी में बन चले जाते हैं। और आईएएस में क्या है, देखिए एक दिन आप कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन फाइनेंस। मैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की एनुअल मीटिंग्स में कितने आईएएस अफसर से मिला हूं जिनकी बेसिक नॉलेज नहीं है, क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं आती है, पता नहीं है क्या है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो मैं एडुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप या तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट अच्छे हो जो वाकई ब्रॉड थिंकिंग के हो डीप, या तो आप जो है बिजनेस एक्सपीरियंस हो, और आप सिलेक्शन उस तरह कर सकते हैं, यूपीएससी ही एग्जाम ले सकता है और 15 सेट कर सकता है और अलग लेवल्स के लिए कर सकता है, आरक्षण के साथ कर सकता है आप लैटरल एंट्री, लेकिन उसके लिए मनोहर पर्रिकर की तरह आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। तो लेट्स गो बैक टू डिफेंस एंड हिज अचीवमेंट्स एज डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि उनकी बात कर रहे हैं हम। तो एक तो जैसे हमारा, आपने जो पार्टी का पूछा था, तो सी ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हियर वाज अ मैन, संघ से आए, एक आईआईटीएन थे, पहले आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर बने किसी भी यू नो स्टेट के। सो पार्टी पे जो उसका इम्पैक्ट हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम गोवा स्टार्टेड गेटिंग नोटिस्ड फॉर द गवर्नेंस फॉर अ चीफ मिनिस्टर, और फिर उन्होंने गुड गवर्नेंस सेल में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स करे, उन्होंने यू नो बहुत सारी जो अच्छी चीजें गोवा में हुई थी वो रेप्लिकेट करने का ट्राई किया, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। और 2012 में जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ, मतलब 21 सीट्स आए हमारे आउट ऑफ 40, व्हिच इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ।
तो फिर 2014 में यू नो आफ्टर मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी आस्क्ड मी इफ ही कैन बी द डिफेंस मिनिस्टर एंड इफ यू आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही गिव यू नो व्हेन ही वाज अबाउट टू रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर ही वाज इन टीयर्स. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज एक तो मेरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, आई एम नॉट एट दैट पोजिशन, बट आखिर में नेशन फर्स्ट. और जैसे मैंने कहा कि 2013 में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, बट उसके वजह से बिकॉज दे हैव ऑलवेज शेड अ गुड रैपो मोदी जी और परिकर जी, मतलब यू नो 2010 में आई रिमेम्बर मीटिंग मोदी जी एंड सेड कि मनोहर मेरी तरह सोचता है यू नो कि ही इज नॉट वरिड कि उनके डिसीजन का फॉलोआउट क्या होगा. यू नो सो दैट एबिलिटी टू बिकॉज आप देखो मतलब यू नो बहुत सारी चीजें जैसे गुजरात में उसी टाइम पे हो रहा था कि जो इलीगल आवास थे वो तोड़े जा रहे थे डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ ह्यूज वोट बैंक. और बहुत सारे जो मोदी जी के मित्र थे उन्होंने भी एडवाइस करा था कि सर हो सकता है कि इसका आप पे यू नो एडवर्स इंपैक्ट पड़े, बट ही सेड कि पॉलिटिक्स अलग बात है, गुजरात इज प्रायोरिटी. सिमिलर हैपेंड इन गोवा. तो सिर्फ गोवा में इंपैक्ट ज्यादा बाहर लोगों को पता नहीं चला बिकॉज वी आर अ स्मॉल स्टेट. तो चलिए जी मनोहर जी की कीर्ति की कीर्ति पूरे देश में व्याप्त हुई और वो रक्षा मंत्री बन गए. अरुण जेटली से नहीं संभाला गया तो फिर मनोहर जी आ गए. तो आप ये बताइए कि मनोहर जी रक्षा मंत्री बन के क्या क्या चीजें किए जो कि इस देश के हित में थी और कैसा उनका कार्यकाल रहा, थोड़ी टिप्पणी उस पे करिए. मतलब जस्ट एक महीने पहले आई वाज इन दिल्ली फॉर अ मीटिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इनटू अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड से मिल रहे थे. तो उसने आउट ऑफ माय फ्रेंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हिम कि सर इज तेजस रियली अ गुड मशीन. तो ही सेड तेजस तो बहुत अच्छी मशीन है, तेजस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड. और ग्रुप कैप्टन हैड नो क्लू कि मैं परिकर जी को जानता था नहीं जानता, बिकॉज उनको कुछ पता नहीं था. तो आपको तेल नहीं लगा रहा. तो कहते हैं कि अगर आज तेजस उड़ रहा है तो उसका श्रेय एक आदमी को जाता है, वो मनोहर परिकर को. अब बताइए क्यों. तो जो मेरा इंटरेक्शन परिकर जी के साथ हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ही हैड टू होल्ड 17 मीटिंग्स बिटवीन इंडियन नेवी, बिटवीन एचएएल, बिटवीन डीआरडीओ जिनके पास पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी थी. तो सबको कन्विंस करने में, जैसे एक नेवी का बहुत बड़ा इशू था कि वेदर द वेट एयरक्राफ्ट कैरियर पे टिक सकेगा. सो देन ही वेंट इनटू दैट. सो यू नो उन्होंने 17 मीटिंग्स करे रक्षा मंत्री. और मतलब एक एक चीज पे हम आएंगे, बट मैं सिर्फ एक लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर फॉर हार्डली 2.5 years. सिर्फ 2.5 साल. कब से कब तक याद दिलाइए. नवंबर 2014 एंड देन वो बाद में अराउंड मार्च 2017 ही वेंट बैक टू गोवा एज चीफ मिनिस्टर अगेन. और तो उनका ये था कि यू नो वेर क्या कहते हैं, ओनली 2.5 साल में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे. जैसे तेजस ऑलमोस्ट शेल्फ होने के रास्ते पे था. ही सेड नहीं, आई विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, आई विल डू इट मायसेल्फ. तो यू नो क्यों उन्होंने शेल्फ नहीं होने दिया. नहीं क्योंकि रीजनिंग बताइए, वो बड़ी अहम है. करेक्ट. तो उन्होंने एक बार, एक तो उनका मानना था कि अगर तेजस के मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस बनते हैं तो इमेजिन द बूस्ट इट विल डू टू द इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम. बिल्कुल. एक तो आपके वेंडर्स बनेंगे प्लस आपके प्रोडक्शन लाइन, और दूसरा जो हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग ये था जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं दे आर गेटिंग ऑब्सोलीट. और उन्होंने हमेशा मतलब यू नो ही टोल्ड मी वन थिंग कि द फर्स्ट थिंग ही डिड आफ्टर ही रियलाइज व्हाट इट इज, ही कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड सेड कि आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन. जब प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दिया यू नो ही वाज वरिड कि ये क्या है एंड व्हाई इज नोबडी एक्टेड. तो ही सेड सर कि द ओनली प्रॉब्लम इज कि जैसे ए के एंटनी के टाइम पे नॉट टेकिंग अ डिसीजन वाज द बेस्ट डिसीजन ही टुक. तो सारे चीज मतलब कांग्रेस का जो हम कहते हैं ना कि वो 2004 से 2014 वाज अ डिकेड ऑफ डेके, यू नो डिकेड ऑफ डीके, मेरे ख्याल से वो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ढलती मुगलिया सल्तनत थी नहीं. और बट जो आपको करना था ऑगस्टा वेस्टलैंड का तो हुआ, जो बाद में जिसमें परिकर जी का पार्लियामेंट कैंसिल किया. और उनका एक बड़ा अच्छा ये था कि बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोए हैं, वो गंगा कहां बह रही है वो हमें देखना है.
यू नो एंड ही सेड कि उन्होंने मतलब सी हिज पॉलिटिकल विट, यू नो ही सेड कि आपके पास तो फ्री में इटालियन ट्रांसलेटर है, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, यू नो बिकॉज लॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर इन इटालियन. तो वो उनका बड़ा शार्प विट था. बट तेजस पे जैसे और कोई रक्षा मंत्री हो सकता था शायद कहे कि व्हाई शुड आई टेक सो मेनी मीटिंग्स, मैंने एक बार कह दिया, बट वो नहीं था. उनका हर चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, जैसे वो ग्रुप कैप्टन को पता भी नहीं था कि मेरा कोई एसोसिएशन रहा है. एंड यू नो व्हाट ही सेड एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ही सेड भाई मुझे ये डाउट था कि मतलब वेदर आई शुड डू बिजनेस विद यू, बट नाउ दैट यू टेल मी दैट यू आर एसोसिएटेड विद परिकर जी, आई हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट यू. टू एंड हाफ ईयर्स के रक्षा मंत्री के बारे में आज भी फौज में ये बोला जाता है. आज आप देखो एनी मेजर डिसीजन, मैं कहता हूं कि मनोहर पर्रिकर जी का अगर डिफेंस को या डिफेंस इकोसिस्टम को सबसे बड़ा गिफ्ट है तो वो है बाय आईडीडीएम कैटेगरी, इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड. ये कैटेगरी उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में इंट्रोड्यूस करी 2016 में एंड इट मेट विद सीवियर रेजिस्टेंस. बाय हूम? बाय हूम? By both bureaucracy and the services. And it is... Why? मतलब IAS lobby और जो senior अफसर हैं Indian Air Force, Indian Navy और Indian Army के? देखिए एक तो problem क्या है ना कि Indian industry को quality production के साथ link ही नहीं किया जाता था. मतलब ये हमारा दुर्दैव है कि bulletproof vest और जो low tech है और bulletproof helmets हम नहीं बना पा रहे थे इंडिया में. वी वर इम्पोर्टिंग इट. कहां से इम्पोर्ट कर रहे थे? नहीं, बहुत जगहों से, मतलब यू नो यूएस हो, रशिया हो, मतलब कई कई जगह, यूरोप से हो, इजराइल से हो. और टुडे वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स. जैसे अभी जो डिफेंस एक्सपोर्ट, किसी ने मुझे वही कहा कि डिफेंस एक्सपो हुआ गांधीनगर में, उसमें देयर वाज नो फॉरेन प्लेयर डिस्प्लेइंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड हेलमेट. That is what I think was initiated under the Narendra Modi government and Manohar Parrikar. कौन बना रहा है? नहीं, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे MKU है, उत्तर प्रदेश में है आपके, लखनऊ में. So you know, so they are one of the biggest exporters. तो you know, so बहुत सारी कंपनीज के केस में, so उन्होंने इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एक कैटेगरी डाली. दूसरा उन्होंने करा कि बहुत सारे जगहों पे, जैसे अभी जो एटैक्स गन्स है जो भारत फोर्ज और टाटा पावर एसीडी डीआरडीओ के साथ बना रहा है, अब उसमें भी उनको रेंजेस नहीं मिलते थे, एम्युनिशन नहीं मिलती थी. परिकर जी क्लियर दैट आल्सो. आप देखो वो टेस्टिंग के लिए नहीं मिलते, टेस्टिंग के लिए नहीं मिलते थे. तो ठीक क्या है कि आई अंडरस्टैंड कुछ कुछ जनरल्स के जो फियर्स थे वो करेक्ट थे कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, बट क्वालिटी क्यों नहीं है? बिकॉज हम ही परमिशन नहीं दे रहे. तो ये बड़ी अहम बात है क्योंकि बाकी देशों में ये मानना है, खासकर जो बड़े पावर्स हैं, कि डिफेंस, अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप फुल्ली सॉवरेन हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि जरूरत के समय कोई आपको न टेक्नोलॉजी देगा, न वेपनरी देगा, न सप्लाईज देगा, न एमिनेशन देगा. और अगर आप खुदा न खास्ता अपने सप्लायर के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के विरोध में जाएंगे तो वो आपको जरूर चोक कर देगा. तो स्वाधीनता के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास अपने हथियार हों. तो मुझे अचरज ये होता है कि इतने साल सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन इस पे कभी ध्यान ही हमने ठीक से नहीं दिया. और जो हमने बनाई भी इंडिजिनस फैक्ट्रियां, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, सबको पता है कि वो बंडलबाज हैं, सबको पता है इनएफिशिएंट हैं, सबको पता है वो टैक्स पेयर सब्सिडाइज्ड हैं, सबको पता है उनकी क्वालिटी लो है. ठीक, डीआरडीओ का भी परफॉर्मेंस कोई बड़ा अच्छा नहीं है, वहां तफरी ज्यादा होती है. हमने भी देखा है, पिताजी हमारे डिफेंस में थे, कि भैया जो डीआरडीए के साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हैं ज्यादातर आराम फरमाते हैं. तो एक अर्जेंसी नहीं रही है कि भैया हमको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है. ठीक है, ब्रह्मोस हमने बनाया, कुछ चीजें की हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड आइलैंड्स ऑफ एक्सलेंस हैं साहब. आप सहमत हैं? आप तो रहे हैं मंत्रालय में.
देखिए उसमें भी परिकर जी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। जैसे सबसे पहला चीज उन्होंने कहा कि जैसे डीआरडीओ चीफ जो होते थे वाज बाय एक्स ऑफिशियो ही वुड बिकम द साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री, उन्होंने वो चेंज करा, उन्होंने बायफ्रिकेट कर दी। एंड दैट इज हाउ डॉक्टर सतीश रेड्डी, आई मीन सतीश रेड्डी जी इज अ ब्रिलियंट मिसाइल साइंटिस्ट, आई मीन यू नो वन ऑफ द बेस्ट दैट डीआरडीओ हैज, और वो बिल्कुल यू नो वेंट ऑन टू बिकम डीआरडीओ चीफ ऑल्सो। तो उनको लाए तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने लेवल तो मॉडर्नाइज की, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज की, इंजीनियर शायद थे इस कारणवश और मैं एंटरप्रेन्योर रहे थे, वो तो बहुत बड़ा इशू था। और दूसरा क्या था कि ना, एक तो मतलब वो हमेशा कहते थे अपने भाषणों में कि वो खुद डिफेंस के वेंडर रह चुके हैं इसके आफ्टर दैट ही हैड स्टॉप्ड। उन्होंने कहा कि एक इंडियन नेवी ने उनको एक प्रोडक्ट बनाने को बोला था एनसीएनसी बेसिस पे, उन्होंने बनाया, टेस्टिंग हुई, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और फिर उन्होंने टेंडर निकाल दिए कि जिसको भी देना है दे। तो देन ही सेड कि ये जो आप नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पे आपने बनवाया, फिर उसका क्या फायदा है? फिर कोई बनाएगा नहीं दोबारा, कोई नहीं बनाएगा, बिल्कुल इंसेंटिव नहीं है ना, आप तो इंसेंटिव ही ले ले रहे हैं। तो हियर वाज अ डिफेंस मिनिस्टर हु स्पोक द लैंग्वेज दैट द इंडस्ट्री डिड एंड ही अंडरस्टूड द पेंच। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हुई। सो व्हाई आई कीप रिपीटिंग कि वो 2.5 साल का टर्म था। आप बड़े डिसीजंस देख लो या फिर बड़े इंसिडेंट्स देख लो, ORB उनके अंडर हुआ, वन रैंक वन पेंशन वो उनके कार्यकाल में हुआ। फिर सर्जिकल स्ट्राइक जब हुए तब वो रक्षा मंत्री थे। तो ये बहुत सारी जो मतलब ये था। और जैसे आपको याद होगा, सिंस यू लिव इन द यूएस, द वे ही बिल्ट अ रिलेशनशिप विद हिज यूएस काउंटरपार्ट, उस टाइम पे तो एश कार्टर थे डिफेंस सेक्रेटरी, बट इंडियन मतलब बहुत सारा जो पुश था डिफेंस कोऑपरेशन में वो परिकर जी के टाइम पे मिला। यू नो वेयर जैसे उन्होंने पेंटागन में दे क्रिएटेड अ स्पेशल डेस्क फॉर इंडिया। तो ये जो सारा पुश है, ऐसी आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ऐसा हुआ है कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, बहुत सारी चीजें बदली है। जैसे आज यू नो फ्रॉम लो टेक वी आर मूविंग टू समथिंग लाइक प्रेडेटर ड्रोन्स फॉर एग्जांपल। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो उनके आपने डिफेंस सप्लायर्स की बात की, कभी भी विपरीत जाएंगे तो दे विल स्टार्ट। तो बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों को दर्द कर रहा है कि इंडिया क्यों। जैसे मैं आपको कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा कि मोदी जी रशिया जो गए, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया को कि आप कितना भी हमें अपने साइड में मतलब अपना डिक्टेट करने की कोशिश करें, भारत अपना सोवरेन डिसीजन खुद लेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। तो वही मेरे ख्याल से सो ये जो नेशनलिस्ट वो तो 47 से चल रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू में लाख खामियां हो लेकिन वो नॉन अलाइन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। करेक्ट। और आजादी के बाद सॉवरेन रहने की इच्छा भारत में रही है, और न्यूक्लियर भी इसीलिए बने, पोखरण इंदिरा गांधी ने किया, और फिर उसके और फिर पोखरण टू अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। बट उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जैसे बहुत ऐसे पॉलिसीज रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर डील के टाइम पे जो हुआ, सी आपको जो जिस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, यू नो व्हेन यू एक्सपेक्ट कि अगर जरूरत पड़े योर गवर्नमेंट विल स्टैंड अप, नहीं हो। और बहुत सारी चीजें आई थिंक यू नो फॉरेन पॉलिसी पे चाहे तो एक्चुअली शुड बी अ डिफरेंट पॉडकास्ट ऑल टू। नहीं बिल्कुल, बैठक लगाएंगे फॉरेन पॉलिसी पे, बैठक लगाएंगे। बट आज मतलब आई से दिस बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ इंडियंस अब्रॉड। मेरा जैसे मेरा कजन चाइना में, बिल्कुल आपने बताया, उसकी तो बीवी तक चाइनीज है। वो कहता है कि आज जो इंडियंस की तरफ देखने का नजरिया है चाइना में बदल गया है, बिल्कुल बदला। दैट इज बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ द कंट्री। सो हम कितना भी वी कैन गो बैक टू जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, बट लेट अस बी वेरी माइंडफुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में जो भारत की इमेज बदली है। सी फ्रॉम अ कंट्री विच वॉज अ आर्म्स एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, I think today we have started exporting, और जैसे अभी missiles पे बात चल रही है। लेकिन देखिए देखिए उस पे मैं थोड़ा रुकूंगा, वो तो खैर organic growth भी होता ही होती है देश की, और defense manufacturing
ठीक है पर्रिकर जी ने शुरू की, लेकिन अगर वो लंबे कार्यकाल, उनका लंबा कार्यकाल रहता रक्षा मंत्री, तो और चीजें हो सकती थी। मेरा मानना यह है कि पर्रिकर जी के जाने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री अधर में है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी वो लीडरशिप नहीं दे पाए हैं। देखिए मुझे आई वुड नॉट एग्री विद दैट। और दूसरा जो चीज है, बहुत सारी, जैसे अभी आपने अगर देखा तो डीपीपी 2016 के बाद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया विच इज नाउ इन फोर्स, एंड दैट इज आल्सो क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग कि इंडस्ट्री को, जैसे मेक टू के अंडर, जैसे यू नो इंडस्ट्री फंडेड हो तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे आईडेक शुरू हुआ विच स्टार्टेड अंडर राजनाथ सिंह जी, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है तो स्टार्टअप ऑल्सो कैन गेट इन टू द एक्विजिशन प्रोसेस, नहीं तो जो पहले रिक्वायरमेंट्स थे। तो बहुत सारी चेंजेस हुई है, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हैज गॉट अ न्यू बूस्ट। तो आप कह रहे हैं कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो मनोहर पर्रिकर जी ने शुरू किया वो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, और वो आपके हिसाब से वो जो है जो उन्होंने चिराग जलाया वो राजनाथ सिंह जो है लेकर चल रहे हैं 100%। और मैं तो कह रहा हूँ कि सी मैं हमेशा क्या होता है ना कि जब 2014 में वो डिफेंस मिनिस्टर बने, यू नो देयर वाज अ 10 इयर्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉन एक्शन, तो वो प्लेटफॉर्म बनाने की, मतलब यू नो वो एक बुनियाद बनाने की जरूरत थी, विच आई थिंक पर्रिकर जी वॉज एबल टू डू। अनफॉर्चुनेटली पोलिटिकल कंपल्शन जो आए उनको 2017 में गोवा जाना पड़ा। और एक चीज उसमें है कि मतलब पर्रिकर जी के पर्सनल वेलफेयर के तौर पे मेरे ख्याल से वो गोवा गए वो उनके लिए अच्छा था, बिकॉज एटलीस्ट ही कुड ब्रीथ हिज लास्ट इन गोवा, यू नो अदरवाइज मतलब ही गॉट इल द वेरी नेक्स्ट ईयर ना, 2018 में ही गॉट डिटेक्टेड विद पैंक्रियाटिक कैंसर। ज्यादा नहीं दिन नहीं, तो एंड देन तो विद इन वन ईयर ही वाज गॉन। और उसमें भी आप देखो मतलब कि क्या आदमी का स्ट्रॉन्ग विल होता है। एक गोवा में एक अटल सेतु बन रहा था विच वॉज द थर्ड मांडवी ब्रिज विच कनेक्ट पणजी विद पोरवरन जो मापसा जाने के लिए है। टिल दैट मतलब ही वांटेड टू सी दैट ब्रिज एंड ही एक्चुअली स्टेड ऑन। तो वो जो उनका फेमस डायलॉग था कि हाउस द जोश, और कहते कि नाउ आई विल ट्रांसफर माई जोश टू यू, एंड विद इन फ्यू डेज वो चल बसे। बट आज उनके जाने के मतलब ऑलमोस्ट 5 साल बाद भी उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जा रहा है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, आप तो दिल्ली में इतना जाते हो, जो धोला कुआं का जो रोड वाइडन हुआ है इतने सालों की डिमांड थी, दैट वाज वन ऑफ द लास्ट फाइल पर्रिकर जी क्लियर्ड, क्योंकि वो लैंड नहीं। उन्होंने कहा कि आप कैंट एरिया में, दिस इज पार्टली रेजिडेंशियल, तो आपको जगह देना पड़ेगा। और आज जो रोड वाइडनिंग के वजह से जो वहां पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, आज भी ट्रैफिक है, बट आप इमेजिन करते थे मतलब आधा आधा पौना पौना घंटा हम अटक जाते थे धोला कुआं के उस ट्रैफिक पे। वो वाइडनिंग लोगों के प्लेन मिस हुए हैं उस ट्रैफिक जाम की वजह से, बट आज जो वो वाइडन हुआ है उसका भी कंट्रीब्यूशन पर्रिकर जी के टेन्योर में जाता है। उन्होंने हर चीज को मतलब पुणे में हो तो बहुत जगहों पे कैंट एरिया है, आप नहीं जा सकते, लोग की हर रोज की जाने की सड़कें थी। सी वो मैं चीज कह रहा हूँ, जैसे एक बार मैं उनके गोल्फ कोर्सेस के भी इंसिडेंट थे कि भैया जो है ट्रेनिंग ग्राउंड गोल्फ कोर्सेस को हमारे फौजी जनरल एडमिरल और एयर मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड करार कर देते, वही ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये जो सिस्टमिक इश्यूज थे, मेरे ख्याल से आपको वहां पे यू नीडेड समबडी जो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर, जो कि सिस्टमिकली, जो आप मोटा मोटी बात कह रहे हैं कि वो सिस्टमिकली सोचते थे, भले ही वो पार्टी का मुद्दा हो, भले ही वो गोवा का मुद्दा हो, गवर्नेंस का मुद्दा हो, भले ही वो डिफेंस पॉलिसी का मुद्दा हो, वो एक सिस्टमिक थिंकर थे। और जो आजकल क्लीशे बन गया है स्टैनफोर्ड में सिस्टम्स थिंकिंग, तो वो अपने आप प्रयास करके वो करते थे। और अब मैं ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात बताते हूँ, तो मुझसे ज्यादा दिस कैन बी क्वाइट कंट्रोवर्शियल इन एनी वे, बट एक तो पहले नॉन कंट्रोवर्शियल शुरू करते हैं। जैसे एक बार मैं उनके ऑफिस में था तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, तो एक पंडित जी आए हुए थे कि यूपी में किसी गांव से, तो वो आर्मी कैंटोनमेंट में वो मंदिर था, उनको कुछ 1,500 का पगार था और बाकी पहले उनको कुछ तो जो मतलब कमाई होती थी वो उनके पास रहती थी, फिर कमिटी के इश्यूज, तो उन्होंने लेटर लिखा रक्षा मंत्री को, पर्रिकर जी ने उनको बुला लिया कि ऑन दिस डेट आ जाओ।
तो ऐसे भी मतलब उनको कोई लेटर लिखता, यू वुड फाइंड एटलीस्ट 50 सच केसेस इन अ मंथ वेन यू नो यू वुड फाइंड देम सिटिंग विद हिम। दूसरा जो मैं कंट्रोवर्शियल चीजों की बात करी, कर्नल पुरोहित जो उनको बेल नहीं मिल रही थी, तो उनकी वाइफ ने पुणे में एक ये केस बताया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखा कि मेरे पति का जो है, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस बिकॉज एक तो वो सब जूडिस है, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखा, वो लिखती आई थी उसके पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। एक दिन सडनली फोन आता है कि आई एम ओएसडी टू रक्षा मंत्री, क्या आप आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए। तो शॉक कि आया, तो फिर वो स्केड्यूलिंग इश्यूज के मतलब एक महीने बाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या डिमांड है। तो उन्होंने कहा सर कि ये उन्होंने जो किया है वो ऑफिशियल ड्यूटी पे किया है। सो अगेन आई मीन अगेन आई एम एज आई सेड कि यू नो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द मेरिट्स, बट दिस वाज द आर्गुमेंट शी पुट फॉरवर्ड, बट हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। तो ये सर देखो मैं तो कोई मतलब इस लाइन का नहीं हूं, और इफ आई टेल माय ब्यूरोक्रेट्स दे आर द सेम वंस जो हैव बीन डिनाइंग यू द डॉक्यूमेंट्स, तो आप एक काम करो, आप लॉयर को कंसल्ट करो, टेल मी कि कौन से रूल के अंडर मैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, और मैं देखता हूँ, बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो वो चली गई वापस, उनको लगा होगा कि इन्होंने आज मतलब वो कहते हैं ना आज की मौत कल पे टाल दी। द नेक्स्ट टाइम शी गॉट एन अपॉइंटमेंट बिफोर शी कुड स्टार्ट कि मैंने लॉयर ने बोला, कहते कि अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस लॉ आप यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू हैव बीन अनफेयरली डिनाइड ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिलवा दूंगा। इतना ही नहीं, अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट अ पार्टी टू दिस मैटर, नाउ आई विल बिकम अ पार्टी एंड वी विल गिव द डॉक्यूमेंट्स। कहती है कि आज अगर उनको बेल हुआ है तो वो परिकर जी के वजह से है, एंड दैट इज वेयर आई से कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है हैज बीन डिफरेंट। देखिए वी कैन मतलब हिज कंट्री नहीं, देखिए सब मंत्री ऐसे नहीं है, आप और मैं अच्छी तरह जानते एक हैं, चीज हम ना परिकर जी की बात कर रहे हैं, परिकर जी क्योंकि इतने अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मोदी सरकार ऐसी है। नहीं नहीं मैं देखिए मतलब अगेन आई मीन सिंस आई फिर और कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट मैं स्पोक्समैन एक ही चीज बने रहिए स्पोक्समैन, हम तो यही चाहते हैं। देखिए मैं एक ही चीज मानता हूँ कि विनोद परिकर जी हमेशा कहते थे कि उनको उनको पूछा जाता था कि आपके मंत्रियों को कोई याद नहीं करता, आपको आप ही को क्रेडिट देता है, तो वो हमेशा पूछते थे कि जब पेले ने वर्ल्ड कप जीता था क्या आपको दूसरे प्लेयर का नाम भी याद है। सबको सिर्फ पेले याद है बिकॉज वो कैप्टन था। नहीं मुझे याद है, सारे नाम याद है सर, आप एक्सेप्शन हो, हम जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे बैंको पीपल आम आदमी। तो और दूसरी चीज कि यू नो मोदी जी और किसी को भी ला सकते थे, बट टू गेट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्रॉम गोवा नोइंग कि सब 17 में इलेक्शन है विदाउट हैविंग एनी सिक्योरिटी। सी मोदी जी इज वेरी सिक्योर अबाउट हिमसेल्फ, और विदाउट एनी सिक्योरिटी मतलब इनसिक्योरिटी उन्होंने परिकर जी को लाया, एंड टूडे हिज कंट्रीब्यूशन। सो सी कंट्री मतलब यू नो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट सपोर्टेड हिम ही कुड नॉट हैव डन इट। वी कैन हैव यू नो मल्टीपल आर्गुमेंट्स ऑन दिस, बट परिकर एंड दिस इज व्हाट चलिए परिकर जी की बात करते हैं, बट परिकर जी का सो ये सारी चीजें मतलब डिफेंस ये हो मतलब यू नो आईडीडीएम जो कैटेगरी की मैंने बात कही या जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, और उनका ना एक बहुत अलग नजरिया था देखने का। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हमारे जवानों के पास बूट्स नहीं थे, और इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बना भी है, बूट्स एक्सपोर्ट होते हैं भाई, यहाँ तो शू एक्सपोर्ट हम करते हैं। कुछ चीजों में इंडिया से एक्सपोर्ट होके फॉरेन कंपनी के पास जाके वापस इम्पोर्ट होते हैं। नहीं यूएस आर्मी की बहुत सी चीजें सप्लाई होती हैं इंडिया से, तो हमारी नहीं। और इंडिया में ऐसी भी चीजें होती थी कि कोई इंडिया में बना रहा है फ्री जोन से फिर वो भेजता था और फिर इम्पोर्ट फॉरेन ब्रांड लग के यहाँ आ रहा है, तो बना तो इंडिया में रहे, तो उन्होंने फिर कहा कि व्हाई इट शुड नॉट हैपन। तो ये सारी चीजों का मतलब यू नो जवानों का मतलब एक स्मृति ईरानी ने जो ना एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि 2014 के इलेक्शन के पहले वो अमेठी में थे, बिकॉज स्मृति जी हमारी प्रभारी थी गोवा की उस टाइम पे, और व्हेन शी वाज कंटेस्टिंग तो परिकर जी स्टेड इन अमेठी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
जिससे फिर हार गई बेचारी। वो देखो हार जीत तो राजनीति में होता रहता है, तो शी लॉस्ट द फर्स्ट इलेक्शन आल्सो, बट लुक एट द इम्पैक्ट। वो जब गए बहुत सारे गांवों में विदाउट एनी सिक्योरिटी वगैरह, उनको रियलाइज हुआ कि वहां पे लोगों के पास चप्पलें नहीं है, बच्चों के पास। वो वापस गोवा है और उन्होंने 25,000 पेयर ऑफ शूज अमेठी में भेजे स्मृति जी के पास कि आप ये बच्चों को मैं बांट देना, शूज की चप्पल, शूज और चप्पल। बट दैट इज दैट शोज द यू नो एक जो ह्यूमन कैरेक्टर है। जैसे मुझे बूट्स की बात करिए, बूट्स ठीक नहीं थे तो बूट्स फिर कहां से? भी उन्होंने इंडियन मेंटर्स तैयार किए। जैसे एक एमजीओ थे उनके साथ जनरल थोड़गे, तो उन्होंने उनको भी कहा कि टेक्सटाइल में बड़ी सारी कार्टलिंग होती थी कि हर बार प्रायर एक्सपीरियंस में मारे जाते थे। और फिर वो अलग माफिया था कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें नए लोगों को आने ही नहीं देते। दैट इज वेयर आई से कि ये सरकार ने दैट गुड वर्क हैज बीन कैरिड ऑन थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक आईडेक्स, कि अगर आप डिफेंस स्टार्टअप भी हैं और आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आपको ऑर्डर मिल सकता है। और ये बहुत सारी चीजें जो बदली है, बट उसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा वो ये इससे हुई थी। जैसे मुझे याद है जब पहली बार उनको पता, मतलब उनको उन्होंने लगा कि डीपीपी चेंज होना चाहिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो उन्होंने कहा कि, तो एक दिन ऐसे ही रात में फोन किया, कहते कल अगर दिल्ली में है तो आ जा। तो आई वॉज वर्किंग विद सीआईए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम गए तो एक चार पांच लोग थे, उन्होंने कहा कि मुझे डीपीपी चेंज करने के लिए कमिटी बनानी है जो आगे जाके ये चेंज करेंगे। सो देन वी केम अप विद वेरियस नेम्स कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, एंड सो द फर्स्ट रिपोर्ट केम आउट। तो कौन थे जो, क्या नाम है उनका जो कि लिखे डीपीपी? नहीं, सी आई मीन अगेन आई मीन नाम आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर टू एवरीबॉडी हु हैज कंट्रीब्यूटेड। बट जो पहला जो टास्क फोर्स जो बना उसका जो रिपोर्ट आया उसके बाद परिकर जी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे 25 पेज का डीपीपी चाहिए। सो देयर वाज वन एडमिरल जो नो आई सेड कि परिकर जी, मैंने कहा इनसे बात कर ले, तुम किसी को भी बोलोगे ये बोलोगे तो नो, ही हैड दिस वेरी आई विल नॉट से मतलब वो डिफाइंट कि तुम क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा सर आप जो बोल रहे हो पॉसिबल नहीं होगा। So one day I set up the meeting. क्या नाम है एडमिरल साहब का? Again, I mean, I you know, I would prefer if we don't name because Admiral may shoot me because. अच्छा ठीक है ठीक है. But he's a IIT N2, IIT Delhi. और 1 year junior to him, तो he's immediately वो एडमिरल से first name basis पे आ गए and they started discussing page numbers. कि ये कहते हैं कि आपने पेज नंबर 180 पे जो लिखा है सब फालतू है। तो वो कहते हैं सर बट उसका जो जवाब है वो पेज नंबर 225 के एनेक्चर में दिया हुआ है। और मैं बेचारा बीकॉम पढ़ा हुआ एमबीए पढ़ा हुआ आदमी वहां पे बैठ के मतलब सोच रहा है कि ये क्या डिस्कशन चल रही है। बट ही वुड कॉल एडमिरल एट 5 o'clock एट हिज हाउस, सिट विद हिम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और डीपीपी लिखी गई है जो डिफेंस इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड जो कॉन्सेप्ट आई उन्होंने खुद लिखी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में उसका सारा विरोध हुआ है, बट ही सेड आई विल पुट माय फुट डाउन। एंड उसमें इंडिजिनस कंटेंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा ही नहीं कि सर इंडिजिनसली डिजाइन बना रहे हो और सब इंपोर्ट कर रहे हो। तो उसमें आईसी कंटेंट का भी उन्होंने एक रूल डाला कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है ना कि आप उनके पास सिर्फ फाइल भेजोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्लियर कर देंगे, वो कभी नहीं होता था। ही वुड गो थ्रू एवरीथिंग, इसीलिए बैठे रहते थे रात के 12 बजे तक ऑफिस। तो उनका वो अलग ही लेवल का था। एंड एट द सेम टाइम गोवा के जो इश्यूज थे वो उनके पास एस्केलेट होते थे। तो यू नो सो ही वाज एक्चुअली मल्टीटास्किंग इन मेनी वेज, यू नो। सो वो बड़ी सारी चीजें हैं एंड दैट इज व्हाट मेड हिम व्हाट यू नो परिकर जी वाज, यू नो। एक तो इश्यूज पे ग्रिप होती थी, एक बहुत ह्यूमन ये था एंड ही ऑलवेज हैड अ फसाड ऑन, ही नेवर लेट हिज इमोशंस कम आउट यू नो इन द पब्लिक, बट ही वाज वेरी थॉटफुल। जैसे जवानों का बूट्स नहीं है, ही वाज वरिड, ही सेड ये ऐसा नहीं चल सकता। एंड दैट इज वेयर आज अगर आप देखें तो यू नो एम्यूनेशन का जैसे और बहुत सारी चीजें होती थी, फिर आया कि एम्यूनेशन इज एट ऑल टाइम लो, पर वो हमेशा कहते थे कि जो सीएजी की रिपोर्ट आती है वो 3 साल पहले की ऑडिट के बाद की आती है।
बट कॉन्ट्रोवर्सी तो आज होती है ना। या फिर उन्होंने एक और एक चीज कही थी जो अगेन कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, अगर किसी ने उसका गलत अर्थ ले लिया तो गलत अर्थ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर बार कहते हैं कि वो जवान जो है देश के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। कहता है क्यों? कहता है जान लेने के लिए तैयार होना चाहिए, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। पैटर्न ने कहा था, जनरल पैटर्न ने कहा था ये बात। कि मैं हर एक सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करता हूं, आई मतलब यू नो आई बो डाउन टुवर्ड्स देम। बट जो कांग्रेस करती थी कि बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, जवान मर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं, ही सेड नहीं, ही सेड मारो। और जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि हम जवाब देंगे बट टाइमिंग वी विल चूज, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस, और वही किया। तो मतलब यू नो उन्होंने मतलब ही सेड कि इतना प्रेशर था हर जगह से, यू नो इवन इवन एट वन मोमेंट इवन आई बिकेम क्रिटिकल। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है सरकार, एंड ही सेड ऐसा नहीं होता है, यू नो दैट सी एंड वी हिट व्हेन नोबडी थॉट कि वी विल। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किए अक्रॉस द बॉर्डर जाके, तो मेरे ख्याल से ये दिखाता था कि यू नो ही वाज रेडी टू टेक द यू नो टफ डिसीजंस, ही हैड द बैकिंग कि यू नो ही कुड हैव रन हिज इंडिपेंडेंट। ये तो ये सारी चीजें तो, एंड अगेन आई मीन यू नो लाइक अ पेरेंट आई कीप रिपीटिंग All of this in 2.5 years। अति उत्तम। चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला। आपसे दोबारा फिर अगली दफे विदेश नीति पे बात करेंगे विस्तार में, और कई चीजों मेरे ख्याल से आप यू नो यू आर हेलबेंट की मेरा करियर खत्म कर दे। ना, 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 ना। हम तो चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बनी हैं, आप रक्षा मंत्री बनी हैं, आप विदेश मंत्री बनी हैं। नहीं बट अतुल जी थैंक यू, आपने इस डिस्कशन के लिए बुलाया। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, और अरे अगर कुछ छूट गया तो अगले इसमें कवर कर लेंगे। चर्चा जारी रहेगी। थैंक चलिए साहब, यू, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।